नमस्कार। धमतरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि हाथियों को भगाने के लिए एक व्यक्ति तंत्र मंत्र कर रहा था, खुद ही मारा गया। धमतरी जिले में स्थित सीता नदी उदंती अभ्यारण्य के साल्हे भाट में 32 हाथियों के सिकासिर दल ने 70 वर्षीय बुजुर्ग बुधराम कावड़े को कुचल दिया। बड़ी बात यह सामने आई है कि बुजुर्ग हाथियों को भगाने के लिए तंत्र मंत्र करने अपने भांजे के घर 27 दिसंबर को पहुंचा था। जिन हाथियों को भगाने के लिए बुजुर्ग तंत्र मंत्र करना चाह रहा था, उन्हीं के पैरों तले कुचल कर उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है। महुआ शराब की गंध ने हाथियों के दल को आकर्षित किया और वे वहां पर पहुंच गए। हाथियों ने उनके घर को भी तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने बुधराम को सुर में लपेट कर दूर फेंक दिया और पैरों से कुचल कर उसे मार डाला। इस घटना के आधे घंटे पहले ही बुधराम को बचाने के लिए वन विभाग की निगरानी टीम साल्हे भाट पहुंची थी, लेकिन वह कमरे में छिप गया था। बुधवार को सुबह करीब 4 बजे नग्न हालत में उसकी लाश खेत में मिली है। हाथियों के कुचलने से उसके एक पैर के चिथड़े हो गए हैं, उसका चेहरा भी कुचला हुआ था। सीता नदी उदंती अभ्यारण्य के SDO BK लकड़ा ने बताया कि यह घटना 27 दिसंबर को रात करीब 7:30 से 8:30 बजे के बीच की है। हल्लारी निवासी बुधराम कावड़े के भांजे का घर साल्हे भाट में है। 2 दिन पहले सिकासेर हाथियों का दल गांव में पहुंचा था। उन्होंने धान की फसलों को जमकर बर्बाद किया था। तंत्र मंत्र से हाथियों को भगाने की बात कहकर बुधराम 27 दिसंबर को ही अपने भांजे के घर पहुंचा था। उनके घर में ही महुआ काफी मात्रा में बनती थी, जिसके कारण हाथियों का दल आकर्षित हो गया। हाथियों का दल जब उनके घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था, तो भांजे और अन्य रिश्तेदारों ने बुधराम को वहां से निकलने को भी कहा था, लेकिन वह नहीं मानी, जिसके बाद वे सभी बुधराम को वहीं पर छोड़कर खल्लारी के लिए निकल गए। इधर भांजे को कुछ अनहोनी होने की आशंका थी, इसलिए उसने वन विभाग को मामले की जानकारी दी और बुधराम की जान बचाने को कहा था। वन विभाग की टीम गजराज वाहन से बुधराम को लाने के लिए साल्हे भाट गई थी, लेकिन वह घर में छिप गया था। अंधेरा हो चुका था, इसलिए अनहोनी की आशंका पर वन विभाग की टीम गांव से निकल गई। इसी बीच हाथियों का दल बुधराम के भांजे के घर पहुंच गया और बुधराम को कुचल कर मार डाला।